हेलो दोस्तों, खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक होम थिएटर को रिपेयर करेंगे। इंटेक्स का होम थिएटर है। दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके होम थिएटर में भी हो सकती है, इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप फ्रेंड? इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। फ्रेंड इस कंडीशन में होम थिएटर में क्या प्रॉब्लम होती है और आप उसको कैसे आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, मैं इसको पावर में लगा करके दिखा देता हूँ कि इसमें कोई पावर जो है वो आप देख पा रहे हैं कि नहीं आ रही है। और आप देख पा रहे होंगे कि स्विच जो है इसका वो ऑन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यही इसमें प्रॉब्लम है कि ये बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा है। फ्रेंड मैंने इसका कवर जो है हटा दिया है, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत सारे ये स्ट्रिप लगे हुए हैं, तो मैं इनको भी फटाफट से जो है वो अलग कर लेता हूँ, ठीक है। इसके साथ में ये इसका 5 वोल्ट की स्ट्रिप है, ये इसका बोर्ड है और ये इसका ट्रांसफार्मर है। तो फ्रेंड्स अगर ये ऑन नहीं होता है तो हमें सबसे पहले जो है वो इसकी ये केबल चेक करना होती है, और अगर केबल सही होती है तो फिर हमें ये इसका स्विच जो है ये भी चेक करना होता है, ठीक है। इसके बाद में फ्रेंड्स हमें जो है हमें इसका फ्यूज़ जो है इसको भी चेक करना होता है। सबसे लास्ट में हमें इसका ट्रांसफार्मर चेक करना होता है। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है वो ये है कि इसका सारे कंपोनेंट ठीक हैं और मुझे इसके ट्रांसफार्मर पर ही शक है। उसकी वजह यह है कि फ्रेंड्स अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये पिघला हुआ है, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ट्रांसफार्मर जो है ये पिघल चुका है, शॉर्ट हो गया है। तो मैं ट्रांसफार्मर को पहले चेक कर लेता हूँ। फ्रेंड मैंने इसकी ये स्ट्रिप हटा दी है और उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे एक वायर ट्रांसफार्मर की ये है और दूसरी वायर फ्यूज़ पर है, ठीक है। तो मैं इस वायर को खोल लेता हूं और आप देख पा रहे हैं ये एक ट्रांसफार्मर की मेन वायर आ गई है और दूसरी वायर फ्यूज़ पर है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फ्यूज़ को ही खोल लेता हूं और फ्यूज़ को खोलने के बाद में आप देख पा रहे हैं फ्यूज़ भी इसका ओके है, कोई दिक्कत नहीं है फ्यूज़ में। तो फिलहाल अब ये हमारे पास दो वायर्स हैं फ्रेंड्स, रेड कलर की, ये दोनों ट्रांसफार्मर की मेन वायर है। हमें इसको ही देखना है, सीरीज़ पर भी देख सकते हैं आप और आप इसको मीटर से भी चेक कर सकते हैं। मीटर ले लिया और आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको कंटी यूनिटी पर लगा दिया है, ठीक है। अब मैं इसकी दोनों वायर्स को जो हैं वो एक एक करके चेक करके देख लेता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको लगाता हूं तो आप देख पा रहे होंगे कोई कंटी यूनिटी जो है ये नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब यही है कि ट्रांसफार्मर जो है वो इसका ख़राब है। फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर जो है ये शॉर्ट हुआ हुआ है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं शॉर्ट है। इसकी जगह पर फ्रेंड्स मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो फ़िलहाल ये ट्रांसफार्मर यूज़ करने वाला हूँ। ये ट्रांसफार्मर काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है फ्रेंड्स, ये भी जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 वायर्स में है और ये भी 5 वायर्स में है, ठीक है। तो मैं इसमें जो है इसकी स्ट्रिप लगा लेता हूँ काट करके, क्योंकि ये मार्केट से इसी टाइप की वायर्स आती हैं, इसमें स्ट्रिप नहीं आती है। फ्रेंड आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसकी वायर्स जो हैं वो लगा ली हैं अच्छी तरह से। चलिए अब मैं एक बार कंटी यूनिटी पर इसको चेक करके देख लेता हूं कि इसमें कंटी यूनिटी जो है वो आती है या नहीं। तो जैसे ही मैं इसको लगाता हूं आप देख पा रहे होंगे ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। इसमें देखिए कोई ग्राउंड वगैरह नहीं आ रहा है, ठीक है, ट्रांसफार्मर बिल्कुल ओके है। चलिए इसको हम इसको फिट कर लेते हैं। एक वायर्स इसकी मेन लीड में है तो मैं ये लगा लेता हूँ और दूसरी वायर जो है इसकी फ्यूज पर है। फ्रेंड्स एक वायर मैंने लगा दी है, चलिए मैं फ्यूज वाली वायर जो है वो भी लगा देता हूँ। देखिए मैंने इसका फ्यूज भी लगा दिया है, चलिए मैं इसमें एक फ्यूज भी लगा लेता हूँ इस टाइप का। और फ्यूज लगाने के बाद में मैं इसको टाइट भी कर देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। हमारा फ्यूज़ टाइट हो गया है, चलिए अब मैं इसके वोल्टेज जो हैं वो चेक कर लेता हूँ इसकी स्ट्रिप लगा करके। फ्रेंड्स मैंने मीटर को 1000 वोल्ट पर कर लिया है, चलिए अब हम इसके वोल्टेज चेक करके देख लेते हैं कि इसमें वोल्टेज जो हैं वो आ रहे हैं या नहीं। तो वोल्टेज जो हैं फ्रेंड्स इसमें आ चुके हैं, आप देख पा रहे हैं कि 18 वोल्ट आ रहे हैं और इस कैपेसिटर पर भी 18 वोल्ट के करीब आ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इसकी सप्लाई जो है वो बिल्कुल ओके हो गई है।
फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं कि इसमें सारे वोल्टेज सही आ गए हैं। तो चलिए अब हम इसकी स्ट्रिप लगा करके इसको चेक करके देख लेते हैं कि इसमें साउंड जो है वो कैसी आती है। फ्रेंड्स मैं इसमें स्पीकर की वायर और ये इसकी ऑडियो इन की वायर लगा देता हूँ डीटीएच की, और चलिए इसको ऑन करके देख लेते हैं कि इसमें पावर जो है वो आती है या नहीं। तो आप देख पा रहे हैं पावर इसमें आ गई है, और मैं इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ओके चल रहा है। फ्रेंड्स अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है।